अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। प्रीवियसली हम लोग चॉपर डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स के कवर कर चुके हैं, जैसे बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, देन फिर हमने कक कन्वर्टर डिस्कस कर रहे थे। और प्रीवियसली हम लोग कक कन्वर्टर के अंदर जो इंडक्टर वन है, इनके L1 जो है, इसके रेफरेंस से क्या चेंजेस आ सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। हमने यहाँ देखा था कि अब स्विच ऑन होगा तो इधर हमारे पास एक शॉर्ट सर्किट आएगा, जिसकी वजह से ये एक लूप वर्क कर रहा होगा, और जो भी वोल्टेज यहाँ पे होगा ये इस इंडक्टर के थ्रू क्या करेगा, लोड को सप्लाई दे रहा होगा ड्यूरिंग ऑन कंडीशन। ऑफ स्टेट होगी तो ऑफ स्टेट में हमारे पास ये पार्ट ओपन हो जाएगा और वहाँ पर जो लूप होगा वो कुछ यहाँ इस एरिया में वर्क कर रहा होगा, और जो भी चार्ज यहाँ होल्ड हुए हुए होंगे वही चार्ज आपके कहाँ आ रहे होंगे, लोड के क्रॉस आ रहे। ये पार्ट हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि भाई जब हमारे पास ऑन स्टेट है तो उस टाइम पे क्योंकि करंट इंक्रीज करेगा क्रॉस इंडक्टर L1, तो उसके हिसाब से क्या इक्वेशन होनी चाहिए। देन फिर हमने टी ऑन एंड टी ऑफ के हिसाब से इक्वेशन ड्राइव की थी, और उसके बाद हमने एट दी एंड VC1 की एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर ली। अच्छा, ये तो बात हो गई इंडक्टर वन की। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडक्टर टू का इम्पैक्ट क्या होगा ड्यूरिंग टी ऑन एंड ड्यूरिंग टी ऑफ। जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग टी ऑन, तो हमें पता है जब ड्यूरिंग टी ऑन अगर हम इंडक्टर की बात करेंगे, यानी कि इस कंडीशन में, तो अब यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास ये VC1 भी इटसेल्फ चार्ज होगा, तो ये एक सप्लाई बनी हुई होगी और क्या करेगी, इस इंडक्टर को चार्ज कर रही है, जिसकी वजह से अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन इसकी बनेगी उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो इंडक्टर 2 है उसके अक्रॉस करंट इंक्रीज करेगा फ्रॉम IL21 टू IL22। एक्सप्रेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि इंडक्टर के पास जो वोल्टेज होगा वो बराबर होगा एक्चुअली VC1 प्लस E0 इक्वल टू L2 देन IL22 माइनस IL21 अपॉन टी ऑन। ये जो LdIdt होता है ये उसी को ब्रेक करके हमने यहाँ लिखा हुआ है। सो दिस इज डेल्टा I2, यहाँ डेल्टा I2 आ गया, नीचे टी ऑन आ गया और L2 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से अगर देखते हैं हम, तो हम टी ऑन के एक्सप्रेशन निकालने के लिए टी ऑन को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, VC1 और E0 को नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास टी ऑन की एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह हम अब इम्पैक्ट देखेंगे इंडक्टर 2 का ड्यूरिंग ऑफ टाइम। ड्यूरिंग ऑफ टाइम अगर जब हम बात करेंगे, तो ऑफ टाइम में अगर हम सर्किट को देखते हैं तो स्विच ऑफ है, जब स्विच ऑफ होगा तो ये हमारे पास जो पाथ है ये शॉर्ट हुआ हुआ होगा, सप्लाई जो भी जा रही हो कुछ लूप इस तरह से वर्क कर रहा होगा, इट मीन्स अब कैपेसिटर कोई सप्लाई आगे नहीं दे रहा होगा, यानी कि जो भी सप्लाई ऑन टाइम में यहाँ पे थी वही अब क्या हो रही होगी, डिस्चार्ज हो रही होगी, जिसकी वजह से अब अगर हम एक्सप्रेशन देखेंगे तो हमारे पास जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस करंट जो है वो क्या करेगा, वो फॉल करेगा फ्रॉम IL22 IL21। और अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगी इंडक्टर के, तो वो हमारे पास बनेगी E0 इक्वल टू माइनस L2 डेल्टा I2 ओवर टी ऑफ। साइन चेंज इस वजह से हुआ बिकॉज दिस टाइम इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग। यहाँ से हम टी ऑफ की वैल्यू इजली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा डेल्टा I2 जो है वो बराबर होगा IL22 माइनस IL21। अच्छा, इसी तरह अब अगर हम बात करें इंडक्टर के अक्रॉस करंट की, यानी कि डेल्टा I2 की, तो अगर हम दो इक्वेशंस कंसीडर करें, यानी कि फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम दिस वन, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखते हैं और यहाँ से अगर मैं क्या करूँ कि डेल्टा I2 की एक्सप्रेशन एक यहाँ से निकाल लूँ और एक डेल्टा I2 की एक्सप्रेशन यहाँ से निकाल लूँ, यानी कि यहाँ से अगर डेल्टा I2 की एक्सप्रेशन निकालूंगा तो मेरे पास VC1 प्लस E0 ब्रैकेट में देन टी ऑन मल्टीप्लाई हो रहा होगा L2 नीचे आ जाएगा, तो ये डेल्टा I2 की एक्सप्रेशन आ जाएगी जो कि ये लिखी हुई है।
उसके बाद यहाँ से डेल्टा आई टू की मैं एक्सप्रेशन निकालूंगा, तो ई नॉट इंटू टी ऑफ अपॉन एल टू और माइनस साइन, तो वो यहाँ पे ये पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। तो इस तरह से अगर देखें तो वहाँ पर डेल्टा आई टू जो है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होके आ जाएगी इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को अगर हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वी सी वन टी ऑन जो है वो बराबर होगा माइनस ई नॉट टी ऑफ माइनस ई नॉट टी ऑन के। अब टी ऑन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड फॉर्म में हमने कुछ इस तरह से ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे टी ऑन प्लस टी ऑफ आ रहा था, इसको हम नीचे लिया है तो ये डिवाइड बाई टी में आ गया, टी ऑन अपॉन टी अल्फा के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई वी सी वन के रेफरेंस से माइनस ई नॉट अपॉन अल्फा। जिस तरह से पहले हमने एक इक्वेशन निकाली थी रेफरेंस टू वी सी वन ई डी सी अपॉन वन माइनस अल्फा, तो यहाँ पे रेफरेंस टू सेकेंड इंडक्टर वहाँ पर इक्वेशन आ रही है वी सी वन की माइनस ई नॉट अपॉन अल्फा। अब क्योंकि हमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज भी फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे वी सी वन की ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं इनको इक्वेट कर सकते हैं, इनके इक्वेशन 8.12 और दिस इक्वेशन, इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर लें तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो ई नॉट वापस आ जाएगा माइनस अल्फा ई डी सी अपॉन वन माइनस अल्फा। अब अगर हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं हमारा सिस्टम क्या है विदाउट एनी लॉसेस है, तो उस हिसाब से होता ये है कि जो भी हम सप्लाई कर रहे होंगे वही चीज़ आउटपुट पे जा रही होगी। ठीक है, कक कन्वर्टर की वजह से साइन चेंज आएगा हमारे पास, वो एक साइन चेंज हमने यहाँ प्लेस कर दिया है। तो अब हम अगर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखते हैं और यहाँ ई नॉट की जगह पूरी एक्सप्रेशन प्लेस कर देते हैं माइनस अल्फा ई डी सी वन माइनस अल्फा, हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब यहाँ पे ई डी सी और ये ई डी सी कैंसिल आउट हो गए और यहाँ से आई एस की हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें स्विचिंग पीरियड की टी की, तो वो हमारे पास होगा वन ओवर एफ जो कि बराबर होगा टी ऑन प्लस टी ऑफ के। अब हमने क्योंकि टी ऑन एंड टी ऑफ की भी इक्वेशंस फाइंड आउट करी हुई हैं प्रीवियसली, उनके यहाँ पे हमने अगर देखा जाए तो विद रेफरेंस टू इंडक्टर टू हमने टी ऑन एंड टी ऑफ दोनों निकाले थे, तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसको तो यहाँ इसी कंडीशन को अगर हम फर्दर अगर आगे लेके जाएं, तो अगर हम यहीं से डेल्टा आई वन निकालना चाहें तो यहाँ पे अगर नज़र आ रहा हो आपको तो ये डेल्टा आई वन यहाँ पे आ रहा है, यानी कि बाकी एक्सप्रेशन को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं विद माइनस साइन, तो हमारे पास डेल्टा आई वन की इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, जिसको हम लोग फर्दर सॉल्व करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा आई वन इक्वल टू ई डी सी डॉट अल्फा अपॉन एफ डॉट एल वन। अच्छा, सेम इसी तरह जो भी हमने टी ऑन और टी ऑफ की वैल्यूज निकाली विद रेफरेंस टू एल टू, तो सेम यही चीज़ हम लोग यही काम हम लोग कर सकते हैं विद रेफरेंस टू सॉरी प्रीवियसली हमने किया था यही काम विद रेफरेंस टू इंडक्टर वन, दिस टाइम हम सेम यही काम करेंगे विद रेफरेंस टू इंडक्टर टू, इनकी इक्वेशन टी ऑन की ये वाली और ये इक्वेशन, इसको इस बार यूज़ करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं टोटल टाइम की एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि कुछ इस तरह से आएगी। एंड अगेन हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं डेल्टा आई टू निकाल सकते हैं, तो जिस तरह यहाँ पे हमने किया डेल्टा आई वन एक तरफ लेगा, जिस तरह यहाँ पे डेल्टा आई टू एक तरफ ले जाएंगे और यहाँ से हमें क्या होगा डेल्टा आई टू की एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो देखा जाए तो दोनों एक्सप्रेशन को अगर देखें डेल्टा आई वन और डेल्टा आई टू की, तो उन दोनों में डिफरेंस सिर्फ हमारे पास देखा जाए तो इंडक्टर वन और इंडक्टर टू का ही आ रहा है। और यही चीज़ यहाँ पे डिनोट हुई थी कि हमारे पास जब आई वन की बात कर रहे थे तो हम लोग एक्चुअली इंडक्टर वन को रेफर कर रहे थे, और जब आई टू की हम बात कर रहे थे तो हम इंडक्टर टू को रेफर कर रहे थे।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और करंट फ्लो कर रहा था जो कि था करंट अक्रॉस इंडक्टर विच इज IC1। तो अब यहाँ पे हमें जैसे ही पता है हमें कि जब ये स्विच ऑफ होगा तो हमारे पास एट दैट पॉइंट क्या होगा, इंडक्टर चार्ज हो रहा होगा बाय हैविंग इट्स इनपुट फ्रॉम द सप्लाई। चार्ज होगा कब तक, जब तक हाँ बस टी ऑफ है। तो इस वजह से अगर हम एवरेज करंट की बात करेंगे तो एवरेज करंट हमारे पास IC1 जो बराबर होगा एक्चुअली सोर्स करंट की, बिकॉज ऑफ टाइम पे जो भी सप्लाई के अक्रॉस करंट होगा वही हमें कैपेसिटर के अक्रॉस करंट मिल रहा होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पीक टू पीक रिपल वोल्टेज के अक्रॉस कैपेसिटर, तो अक्रॉस कैपेसिटर हमें पता है कि करंट डेवलप उस भी उसका कब हो रहा है, ऑफ टाइम है, इट मीन वोल्टेज भी उसी टाइम पे हमें क्या होगा मिल रहा होगा। तो डेल्टा VC1 की हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, जो इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग आउट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वही हमने यहाँ अप्लाई किया, 1/C1 इंटीग्रल IC1 dt। इंटीग्रल में लिमिट हमारे पास आ जाएगी 0 से टी ऑफ, बिकॉज यहाँ पे ड्यूरिंग टी ऑफ क्या होगा, इंडक्टर वोल्टेज डेवलप कर रहा होगा। तो यहाँ से हमारे पास VC1 की एक्सप्रेशन वो आ गई IST ऑफ अपॉन C1। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम इक्वेशन 8.183 रिकॉल करें तो वहाँ पे हमने E नॉट की एक्सप्रेशन निकाली थी विच इज -α/dc अपॉन 1 -α। इसी इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देख सकें तो यहाँ पे E0 -α इक्वल टू -EDC α VC इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। इसको सिर्फ लिखने का मकसद ये था टू फाइंड आउट टी ऑफ, कि यहाँ से हम क्या करें कि इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए, इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम क्या करें टी ऑफ फाइंड आउट कर लें, जो EDC/EDC E0 × f। तो ये वहाँ पर इसकी कट कन्वर्टर की डेरिवेशन थी। फर्दर जो वहाँ पर VC1 VC2 की एक्सप्रेशन से मैं ये ड्राइव अलग से नहीं करवा रहा, बिकॉज ये जिस तरह अभी हमने प्रीवियसली ड्राइव की है कंडीशन सेम वैसे ही ये भी यहाँ पे ड्राइव होके आई हुई है। तो ये मैं इसको यहाँ पे अलग से ड्राइव नहीं करवा रहा हूँ, उसको आप खुद गो थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी इक्वेशन हमारी VC1 और VC2 की प्रीवियसली हमने निकाली हुई थी उसी को यूज़ करते हुए यहाँ से हमने क्या किया है, इसी इक्वेशन को सिर्फ इसमें वेरिएबल्स को हमने रिप्लेस करा है और कोई चेंज हमने यहाँ पे नहीं करा। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास प्रोवाइडेड है कि भाई वहाँ पर वी हैव अ कक कन्वर्टर जिसका इनपुट वोल्टेज है 15 वोल्ट, इसके अलावा ड्यूटी साइकिल दी हुई है हमें 40% और स्विचिंग फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 25 किलोहर्ट्ज़। फिल्टर इंडक्टेंस हमें यानी L2 की वैल्यू दी हुई थी 80 माइक्रो हेनरी, फिल्टर कैपेसिटेंस हमें दी हुई 220 माइक्रो फैरेड। उसके अलावा एनर्जी ट्रांसफर कैपेसिटेंस जो हमारे पास प्रोवाइडेड है C1 है 400 माइक्रो फैरेड और इंडक्टेंस है हमारे पास L1 है 250 माइक्रो हेनरी। उसके अलावा एवरेज लोड करंट दिया हुआ I0 यानी कि हमें प्रोवाइडेड है 1.25 एम्पेयर। फाइंड आउट हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करना है आउटपुट वोल्टेज E0, देन सोर्स करंट, उसके बाद पीक टू पीक करंट ऑफ इंडक्टर, देन पीक टू पीक रिपल वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर C1, देन पीक टू पीक रिपल करंट ऑफ इंडक्टर L2, देन पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर C2, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास है पीक करंट ऑफ डिवाइस। अच्छा, डाटा हमें जो दिया हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो EDC प्रोवाइडेड है, अल्फा दिया हुआ है, I0 दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी प्रोवाइडेड है, इंडक्टर 1 इंडक्टर 2 की वैल्यू दी हुई है एंड C1 एंड C2 भी प्रोवाइडेड है। अब जो चीज़ें अभी अब हमने ड्राइव की थी हम सिंपल वही फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि E0 के लिए हमारे पास फॉर्मूला गिवन था 8.83 के अंदर, ये रहा -α EDC / 1 - α, ये सारी वैल्यूज हमें प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट की वैल्यूज प्लेस करके E0 की वैल्यू निकाल लेंगे। सोर्स करंट की बात की जाएगी तो सी के नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास सोर्स करंट का फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, वहाँ से सोर्स करंट आ जाएगा, देन डेल्टा I1 हमने ड्राइव किया था,
वी सी वन की इक्वेशन ड्राइव की थी, देन डाई टू ड्राइव किया था, एंड वी सी टू ड्राइव किया था। डायरेक्टली ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगी। उसके बाद हमें पी करंट डिवाइस चाहिए था। उसके लिए पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द डायोड किस तरह निकलेगा। तो वी डी एफ हमारे पास एक्चुअली होगा माइनस अल्फा वी सी वन। और यहाँ पर हमारे सिस्टम की कंडीशन थी इट्स अ लॉसलेस सिस्टम, इट मीन जो एनर्जी गेन करेगा वही लूज करेगा, यानी कि आई एल टू डॉट वी डी एफ बराबर होगा ई नॉट आई नॉट के। तो उसके हिसाब से अगर आई एल टू की हम वैल्यू निकालना चाहें तो वी डी एफ को यहाँ पर ले आऊँगा, डिवाइड में ले आऊँगा, तो यहाँ से हमें एवरेज करंट जो इंडक्टर के क्रॉस में मिल गया वो है 1.25 एम्पीयर। अब पी करंट ऑफ डिवाइस हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि पी करंट का मतलब ये है कि जो एवरेज है उससे आप कह लें एक स्टेप अप अगर हम जाते हैं तो पी करंट होता है, एक स्टेप डाउन जाते हैं तो उसका लोअर वैल्यू की तरफ आ रहा होता है। यहाँ पर वही काम किया है, हमने पहले भी ये चीज़ की हुई है कि आई पी हमारा बराबर होगा आई एस प्लस, यानी आई एस सोर्स करंट प्लस डेल्टा आई अपॉन टू, यानी कि जो चेंजेस आ रहे होंगे वहाँ पास, प्लस इंडक्टर का एल टू जो वहाँ पास इंडक्टर है उसका करंट, उनको एड अप कर लेंगे तो वहाँ पर यहाँ पे क्या होगा पी करंट फाइंड आउट हो जाएगा। आई एस और डेल्टा आई अपॉन टू की कंडीशन हम पहले भी देख चुके हैं, बट यहाँ पे क्योंकि एक और इंडक्टर आ रहा था इस वजह से हमें उसका भी करंट एड अप करना ज़रूरी था। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा पी करंट ऑफ डिवाइस भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये इस वीडियो में हम इसको यहीं तक लिमिट रख रहे हैं। यहाँ पास बक बूस्ट कन्वर्टर का लास्ट टॉपिक था विच इज़ कक कन्वर्टर। इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और क्यूरी सेशन में भी ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।